खरगोन जिले में अवैध हथियार निर्माण खरीदी बिक्री पर अंकुश लगाने के नाम पर पुलिस विभाग लगातार आरोपियों पर कार्यवाही कर रहा है, पर वहीं आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह इसी धंधे में लिप्त हैं। पुलिस विभाग टीम ने अवैध पिस्टल के साथ दो आरोपियों को धर दबोचा है। दरअसल जिले में भिगनगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया है और अवैध पिस्टल के साथ दो आरोपियों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने मीडिया के माध्यम से इस बात का खुलासा किया कि बार बार कार्यवाही के बावजूद लोग अवैध हथियार के धंधे को लिप्त होकर खुद को आरोपी साबित कर रहे हैं। बहरहाल बाइक सवार दोनों व्यक्तियों के 8 देसी पिस्टल बरामद करते हुए पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। दो आरोपी गिरफ्तार हुए सर, कहाँ ले जा रहे थे सर? ये अभी वर्तमान में जो अवैध गतिविधियाँ हैं उनके संबंध में वरिष्ठ स्तर से कार्रवाइयों के निर्देश दिए गए थे, जिसमें हमारे इंदौर जोन के जो IG साहब हैं और जो हमारे DIG हैं उन सीनियर्स के द्वारा पूर्व में भी अवैध हथियारों के विरुद्ध मुहिम चलाई गई थी। उसी मुहिम के तहत हमने जो लोकल पुलिस है उसके द्वारा अपने मुखबिर लगाए गए थे, जिसमें सूचना मिली। तो सूचना के आधार पे जो पता चला कि दो संदिग्ध हैं वो कहीं पर वेपन सप्लाई करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो उनके आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करके उनको जब मैप दिया गया, उनको पकड़ा गया, उनकी तलाशी ली गई, तो उनमें से जो दो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति के पास करीब उसके बैग से 5 उनको ये देसी कट्टे प्राप्त हुए और दूसरे व्यक्ति से करीब 3 हम लोगों को देसी कट्टे मिले। ये दोनों व्यक्ति हम अपना सिग्नल गाँव के रहने वाले हैं और दोनों भाई हैं। एक का नाम उसमें बलवीर सिंह है, पिता सिद्धांत सिंह, और दूसरा उसका भाई है बलदेव सिंह। बलवीर सिंह की उम्र करीब 19 साल है और जो बलदेव सिंह है वो वैसे दिव्यांग है और उसकी उम्र करीब 28 साल है। इस पूरे मामले में जो ये हथियार बनाने का काम है ये डिलीवरी अपना बलदेव सिंह ही करता था, और उसकी सूचना के आधार पर जब उससे पूछताछ की गई कि उसका ये निर्माण कार्य कहाँ पर वो करता था, वहाँ भी जब पुलिस के द्वारा छान तबीयत डाली गई तो वहाँ पर जो उसकी फैक्ट्री और उससे संबंधित जो औजार वो पुलिस को प्राप्त हुए। इस पूरे घटनाक्रम में जो ये दोनों व्यक्ति हैं इनको रामदत्त के नाम गिरफ्तार किया गया है और इनको अभी पेश करके इनका पुलिस द्वारा रिमांड लिया जाएगा। उसके आधार पर इनसे इसके संबंध में चीफ के द्वारा पूर्व में यदि इस प्रकार की कोई घटना की गई हो, किसी को इस प्रकार से अवैध रूप से हथियार लेके गए या अभी वर्तमान में भी जिसको बेचने जा रहे थे उसके संबंध में भी इनके द्वारा पूछताछ की जाएगी पुलिस के द्वारा। इनसे पूछताछ जो वर्तमान स्तर पर की गई है प्रारंभिक रूप से उसमें पुलिस को जानकारी देने से बच रहे हैं या गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर प्रयास करेंगे। सही लोगों को पता बड़े रिकॉर्ड में खुलासा हो सकता है पूछने के बाद, पूछताछ के बाद बड़ा रिकॉर्ड में खुलासा हो सकता है इसका? देखिए ये तो उसके बाद ही पता चलेगा ये और किस किस लोगों के संपर्क में है, यदि अगर ऐसा होगा तो जो भी इनके संपर्क में होंगे उनको निश्चित तौर पर जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।